हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मोनटेक पर। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप फेसबुक आईडी कैसे बना सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप पूरी की पूरी प्रोसेस आपको बताऊंगा कि आप कैसे फेसबुक आईडी क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी ब्राउजर की जरूरत होगी, जैसे कि मेरे पास क्रोम ब्राउजर है, आपको मोबाइल स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है और राइट साइड में, या जैसे यूसी ब्राउजर है, ओपेरा मिनी है, ओपेरा, या बहुत सारे ब्राउजर है, आप कोई भी ब्राउजर यूज कर सकते हैं। जैसे मैं ओपेरा, ये क्रोम यूज़ कर रहा हूँ, क्रोम ब्राउजर में ओपन करता हूँ, गूगल क्रोम है जो फ़ोन में मिलता है, मैक्सिमम फ़ोनों में आता ही है, जो कोई भी मोबाइल है एंड्रॉयड सभी में क्रोम ब्राउजर आता है ज़्यादातर में, क्योंकि गूगल का एंड्रॉयड सिस्टम है तो गूगल इसको इनबिल्ट देती है। तो इसके लिए आपको, तो आप देखेंगे कि ऐसे ही आपके पास गूगल ओपन होगा गूगल क्रोम के अंदर, तो अगर कोई और ब्राउजर है तो उसके अंदर अलग से होम पेज भी हो सकता है। इसमें आपको टाइप करना है fb.com या facebook.com भी लिख सकते हैं आप, और इंटर कर देता हूँ मैं facebook.com लिखने के बाद। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ फ़ोन नंबर और ईमेल, आप ईमेल एड्रेस से बना सकते हैं या फ़ोन नंबर से बना सकते हैं अकाउंट क्रिएट। आपके पास यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रहा है नीचे लॉगिन में होगा, अगर आपके पास पहले आईडी बनी हुई है तो आप लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपके पास पहले आईडी नहीं बनी हुई है तो आपको यहाँ नीचे जाना है, क्रिएट न्यू अकाउंट पर क्लिक करना है। ये फ़ोन के लिए प्रोसेस, अगर कोई कंप्यूटर में बनाना चाहता है तो उसके लिए आपको थ्री डॉट्स दिखाई दे रहे होंगे राइट साइड में, इस पर क्लिक करके ये फ़ोन पे मैं डेस्कटॉप साइड कर देता हूँ। यहाँ डेस्कटॉप साइड पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर कंप्यूटर का होम पेज आ जाएगा, जैसे कंप्यूटर का होता है सेम वैसे आईडी यहाँ से क्रिएट हो जाएगी। प्रोसेस लगभग सेम ही है, कोई अंतर नहीं है, तो इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। कंप्यूटर वाला होम पेज ही खोल लिया मैंने, इसी पर दिखा देता हूँ आपको मैं। यहाँ पे आपके पास डायरेक्टली ऑप्शन आता है क्रिएट एन अकाउंट का, ऊपर आपको दिख रहा होगा ईमेल और फ़ोन या पासवर्ड और लॉगिन। इसके अंदर अगर आपकी आईडी पहले बनी हुई है तो आपको यहाँ पे अपना ईमेल या फ़ोन नंबर डाल देना या पासवर्ड डाल देना है और आपकी लॉगिन हो जाएगी। अगर नहीं बनी है तो आपको उसके लिए बनानी है आईडी क्रिएट एन अकाउंट पर। यहाँ पर देखना, आपको फर्स्ट नेम क्लिक करना है और फर्स्ट नेम में आप कोई भी नाम डाल सकते हैं, जैसे मैं कि अंकित लिख देता हूँ यहाँ पर, और सरनेम में आप जो भी आपका सरनेम हो वो लिख सकते हैं, या जैसे कि कुमार सिंह या कुछ और डालना चाहे वो डाल सकते हैं। यहाँ पे आपको दिया दे रहा होगा मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस, यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस जो भी आपके पास वो लिख देना है, जैसे मैं आप लिख देता हूँ, और उसके बाद आपको पासवर्ड डाल देना है जो भी आप पासवर्ड यूज करना चाहें। पासवर्ड को आपने सिक्योर पासवर्ड यूज करना है। पासवर्ड में सिक्योर पासवर्ड कैसा होता है, सिक्योर पासवर्ड होता है जिसके अंदर अल्फ़ाबेट भी आता है, जैसे कि ABCDE, इनमें से भी कुछ आ जाए, जैसे कि नाम है अंकित, अंकित आ जाए या कुछ भी। अच्छा तो होगा कि आप नाम से रिलेटेड ना बनाएं पासवर्ड, क्योंकि नाम से कोई भी गैस कर लेता है तो आपका अकाउंट जल्दी हैक हो सकता है। तो इसीलिए आप ऐसा कोई पासवर्ड चूज करें जिससे कोई अंदाजा ना लगा सके क्या पासवर्ड होगा, जो आपको आसानी से याद भी रहे उसके, ऐसा बनाएं ताकि हैक ना कर सके को जल्दी से। जैसे कि मैं यहाँ पर सिंपल पासवर्ड बना देता हूँ। अगर आपको पासवर्ड बनाने के लिए, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाने के लिए अल्फ़ाबेट, न्यूमेरिकल और स्पेशल कैरेक्टर यूज करना जरूरी है। न्यूमेरिकल में आता है 1 2 3 4 और अल्फ़ाबेट में आता है ABCDE, और जैसे कि इसमें स्पेशल कैरेक्टर में आता है हैश है, स्टार है, एट द रेट है, तो इस तरह के ये स्पेशल कैरेक्टर होते हैं। आपको पासवर्ड में स्पेशल कैरेक्टर भी यूज करना है, अल्फ़ाबेट भी यूज करना है, कैपिटल लेटर यूज करना अल्फ़ाबेट के अंदर, और 1 2 3 जैसे हमारे गला ये भी यूज़ कर रहे हैं, तो उससे बहुत ही स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बन जाता है। मैं यहाँ पासवर्ड यूज़ कर देता हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जेंडर, जेंडर में फीमेल मेल कस्टम, मेल मेल फीमेल आपको पता ही है, यहाँ पे मेल कर देता हूँ मैं और साइन अप पे क्लिक कर देता हूँ, यस कर देता हूँ मैं। और आप देख सकते हैं मेरे पास मोबाइल नंबर पे, जो मैंने मोबाइल नंबर दिया था उस मोबाइल नंबर पे एक कोड चला गया है। यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे कोड डालने का ऑप्शन आया हुआ है। मेरे पास अभी पहले लिंक जाता है थोड़ी देर के लिए,
मैं दिखाता हूँ आपको मोबाइल नंबर पे, मोबाइल नंबर पे अगर लिंक पे क्लिक करता हूँ तो ईमेल आईडी मेरा मोबाइल नंबर है जो वेरीफाई रहता है, और इसी तरह ईमेल आईडी पे जाता है, अगर कोई ईमेल आईडी से मेरा आता है अकाउंट तो ईमेल आईडी पे ईमेल जाती है और उसमें लिंक जाता है, उस पर क्लिक करते हैं तो अकाउंट बन जाता है। अगर थोड़ी देर हम अकाउंट नहीं अकाउंट का क्लिक करके नहीं बनाते हैं, जैसे कि आपको क्लिक करना है लिंक पे, जो लिंक आपके मोबाइल नंबर पर गया है, अगर उस पर थोड़ी देर क्लिक नहीं करते हैं तो उसके उसके लिए आपके मोबाइल नंबर पे कोड चला जाता है, और वो कोड आपको यहाँ डालना होता है, तो यहाँ कोड डालते ही आपकी आईडी कन्फर्म हो जाती है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ओपन कर लेता हूँ मैं, मेरे पास कोड आया है एक, और मैं कोड वहाँ पे डाल देता हूँ। ये देख सकते हैं आप, 16902 कोड आया मेरे पास। और मैं कोड इंटर कर देता हूँ यहाँ पे, अकाउंट कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। और ये मेरी आईडी कंफर्म हो गई है। और यहाँ पे मेरे पास फ्रेंड ऐड करने के लिए ऑप्शन आ गए हैं अलग अलग से, जैसे कि मैं यहाँ से ऐड फ्रेंड कर दे सकता हूँ, अगर नहीं करना चाहूँ तो मैं रिमूव कर सकता हूँ, और नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। मेरी आईडी क्रिएट हो गई है अभी। ये आप देख सकते हैं, ये आईडी सक्सेसफुली क्रिएटेड हो चुकी है। यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं कोई भी फ्रेंड आपको, जो आपका नॉन पर्सन हो, सर्च कर सकते हैं, और यहाँ से आपके सामने प्रोफाइल आई है। यहाँ पे ऐड पिक्चर करके आप कोई भी प्रोफाइल पिक्चर लगा सकते हैं। और ये पूरी की पूरी प्रोसेस थी फेसबुक अकाउंट बनाने की, आप इजीली बना सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव ए नाइस डे फ्रेंड्स।